हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द बर्गर हिमसेल्फ में। आज हम बनाने जा रहे हैं रायपुर स्टाइल पपड़ी चाट। तो आइए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स को जान लेते हैं। दोस्तों, मैंने लिए भुजिया सेव, आप कोई भी सेव ले सकते हैं, बारीक कटे हुए प्याज, बीट किया हुआ दही, हरी चटनी ली है जो कि मिर्ची और धनिया से बनी है, मैश किए हुए बॉइल्ड पोटैटो, बारीक कटा हुआ टमाटर, काला नमक, सफ़ेद नमक, इमली के चटनी, और दोस्तों ये मैंने लिया है भुना हुआ जीरा और गरम मसाले का मिक्सचर। सबसे पहले दोस्तों पपड़ी के ऊपर हमें मैश किए हुए बॉइल्ड पोटैटो स्प्रेड कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बॉइल्ड पोटैटो स्प्रेड करना है, उसके बाद इस तरीके से प्याज और टमाटर चारों तरफ डाल लेना है। प्याज टमाटर डालने के बाद दोस्तों हमें चटनी डालना है। सबसे पहले जिसमें हरी चटनी डालेंगे, फिर इमली की चटनी, उसके बाद हम दही डालेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हमने हरी चटनी कुछ इस तरीके से स्प्रेड की है। तो हरी चटनी के बाद दोस्तों हम इमली की चटनी डालेंगे कुछ इस तरीके से। मुझे इमली कम पसंद है इसलिए मैं कम डाल रहा हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों इमली की चटनी डालने के बाद बारी आती है दही डालने की। कुछ इस तरीके से पपड़ी चाट की प्लेट पे दही स्प्रेड कर लेना है चारों ओर। दोस्तों आपको ज़्यादा दही पसंद है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं थोड़ा मीडियम ही डालूँगा दही। दही वैसे काफ़ी अच्छा लगता है पपड़ी चाट में क्योंकि सेव भी जाने वाली है। दही के बाद दोस्तों बारी आती मसाले डालने की। सबसे पहले हमने डाला काला नमक, फिर डाला सफ़ेद नमक, उसके बाद भुने हुए जीरा और गरम मसाले का जो मिक्सचर लिया है वो डाल दिया। इसके बाद दोस्तों इसमें पड़ेगी सेव। सेव अपने हिसाब से आप ज़्यादा डाल लीजिए, कम डाल लीजिए, जैसी आपको पसंद है। मैं ज़्यादा डालूँगा, सेव काफ़ी अच्छी लगती है पपड़ी चाट में। तो दोस्तों सेव डालने के बाद हमारी पपड़ी चाट की प्लेट रेडी है, आप देख सकते हैं काफ़ी डिलीशियस लग रही है। दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे और मुझे कमेंट करके बताइए कैसे लगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू।